हेलो, कहिए कैसे हैं। और एक बात शेयर करूंगी, जो मैं हूं तो एक औरत, पर मुझे ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा कि एक औरत होकर दूसरे औरत के लिए कैसे कोई अपशब्द बोल सकती है, है ना। जैसे कि एक वीडियो हमने देखा है और उस वीडियो में ऐसा था कि एक औरत दूसरी औरत को कहती है कि एक बच्चे को होने बहुत दुख होती है, बहुत पीड़ा होती है, जाकर ससुराल वाले को बताए। पर एक बात बताओ बहन, क्या उस माँ को दुख दर्द नहीं हुआ? उसने भी तो बच्चे जन्म दिए होंगे, उनको भी तो कष्ट हुआ होगा, पीड़ा हुआ होगा, हैं। तो आप एक बात बताओ, हम हो या आप हो, ये बच्चे जन्म लेने का ये दर्द तो ये हर औरत को सहना पड़ता है। और इसके लिए अगर हम ससुराल वाले को ताना मारे तो ये तो गलत है ना। उन्होंने भी तो अपने बच्चे को पाला पोसा, 27-28 साल वो दुख दर्द सारा झेला है ना। और फिर भी अगर हम कहें तो ये गलत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि सब महिलाएं ऐसे नहीं होती हैं और सब सास भी ऐसे नहीं होती है दुनिया में, इसलिए कि ये हम जो वीडियो बनाते हैं इससे बहुत ही बुरा असर पड़ता है मेरे हिसाब से। तो हमें ऐसी बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरी महिलाओं का घर बर्बाद हो, है ना। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि हम जो भी बातें बोलते हैं उससे दूसरी महिला रिएक्ट करके और वीडियो पे फालतू की कमेंट करते हैं, मैंने ये देखा है। तो हम क्यों ऐसा करें जो कि फालतू की कमेंट करें? और ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि एक माँ एक औरत होकर हम दूसरी औरत के लिए बारे में बोले, है ना, गलत है। मानती हूँ कि कोई कोई पुरुष भी ऐसे हरकतें करते हैं कि माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, पत्नी की नहीं करते हैं। तो मैं उन पुरुषों से भी कहना चाहूँगी कि ये गलत बात है। आप एक पुरुष हो, आपको जन्म देने वाली भी एक औरत है, है ना। तो आप माँ की इज्जत करिए, बहुत ही अच्छी बात है। और मानती भी हूँ क्योंकि माँ का दर्जा ईश्वर ने सबसे पहले दिया है, पत्नी का भी नहीं, मानती हूँ। पर आपको एक माँ की और एक पत्नी की दोनों की जिम्मेवारी आपको ही निभानी है ना। तो ये आप जरूर देखिए कि आप अपने दोनों का बैलेंस किस तरह बना के रखते हो। अगर आप दोनों का बैलेंस बना के रखोगे तो कोई भी पत्नी शिकायत नहीं करेगी, है ना। और फिर भी यदि करती है कोई पत्नी तो ये गलत बात है, ठीक है ना। तो इसलिए पुरुष अगर दोनों को साथ लेकर चले तो कभी भी रिश्तों में घाटे नहीं पड़ेंगे, ना ही सास शिकायत करेंगी, ना ही एक पत्नी शिकायत करेंगे, मेरे हिसाब से। मैंने ऐसे नहीं कहा कि सारी दुनिया में महिलाएं ही गलत होती है, पुरुष ही गलत है, दोनों तरफ से हो सकता है ना। इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है तो कि ताकि मेरे पे फालतू कमेंट नहीं करें, है ना। और देखिए, पुरुष भी ऐसे नहीं होते कि पुरुष भी बहुत हद तक रिश्तों को निभाते हैं। कभी कभी कोई महिलाएं ही नहीं करती है जिसके कारण घर टूटता है, क्योंकि घर टूटने का कारण एक पति ही जिम्मेवार हो, ऐसा नहीं हो सकता है दोनों तरफ। क्योंकि आप सभी को पता है यार कि तालियां एक हाथ से नहीं बजती, तालियां दोनों हाथों से बजती है, है ना, ठीक है ना। वैसे ही आप रोटी ही ले लो, अगर आप एक तरफ से बनाओगे तो सेकोगे तो एक तरफ कच्ची रह जाएगी ना। वैसे ही रिश्ते को भी ना दोनों तरफ से सेकना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपका पति आपकी माँ की इज्जत करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो आपको भी चाहिए कि आप उन दोनों का रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें और आदर करें। हाँ, मानती हूँ घर हर छोटे घरों में, हर घर में कहिए तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हर किसी के, हमारे भी में होती हैं, ऐसा नहीं है। पर ये हमें भी देखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम उन झगड़ों को समेट कर रखें, है ना, तभी तो रिश्ते बचे रहेंगे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि औरत औरत की दुश्मन कभी नहीं बननी चाहिए। अगर औरत औरत के खिलाफ कोई बात बोलती है तो ये गलत है। और ये भी मानती हूँ कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है, मैं ये भी मानती हूँ कुछ औरतें वैसी होती है जिसके कारण उनको उस नज़र से देखा जाता है, पर सब महिलाएं एक जैसी नहीं होती, हमारी पाँचों की उंगलियाँ भी बराबर नहीं है। तो इसलिए सब महिलाओं को एक ही कैटेगरी में रखना गलत है, और एक ही, और सब पुरुष को भी एक जैसा समझना गलत बात, क्योंकि सब पुरुष भी एक जैसा नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, है ना। और यदि आप लोगों अगर सही में लगता है कि हाँ इन्होंने सही कहा है, तो आप लोग अपनी पत्नी का भी रिस्पेक्ट करिए और अपनी माँ की भी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि इन दोनों की ज़रूरत आपको जीवन भर रहेगा, एक माँ का भी और एक पत्नी का भी, है ना। क्योंकि माँ को भी बहुत सारी उम्मीदें आप ही से होंगी और एक पत्नी को भी आप ही से उम्मीद होंगी, है ना। तो इन दोनों को बनाए रखना आपके हाथ में जितना है उतना ही एक पत्नी के हाथों में भी है। तो दोनों अगर मिलकर जिम्मेवारी निभाएंगे तो घर गृहस्थी अच्छे से चलेगी। तो यही कहना था। अगर मुझसे गलती हो गई होगी, हो सकता है शब्दों में, तो माफ़ करिएगा, पर मैंने अपने हिसाब से बोला है और सब महिलाओं और सब पुरुषों के लिए नहीं बोला है, ठीक है ना।
तो अगर कोई गलत हो जाए तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा छोटी बहन समझ कर, ठीक है ना। मैंने तो यही कहा कि अगर जो महिला ऐसा एक दूसरे महिला के बारे में, तो जितना हो सके हमें एक दूसरी महिलाओं का रिस्पेक्ट और इज्जत करना चाहिए, है ना। और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।